मैं एक ऐसे विद्वान कवि को बुला रहा हूं जो डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र हैं और जिनका दो तीन खंड काव्य आ चुका है हनुमान और एकाद खंड काव्य का नाम मुझे नहीं जानकारी, आके खुद ही बताएंगे। दूसरी बात, ये जिस भाषा को पढ़ाते हैं उस भाषा के लोगों का डिमांड जो है इन मौसमों में ज़्यादा हो जाता है। भाई साहब, ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में रशियन भाषा पढ़ाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र। सालियां विलुप्त प्रजाति हो रही हैं, मैं एक छंद से प्रमाणित करता हूँ। स्वागत, यहाँ विद्वान लोग बैठे हुए हैं, स्वागत है। और इसके पीछे एक बहुत पुराना नारा षड्यंत्र रच रहा है, हम दो हमारे दो का। ये सिलसिला चल गया कि एकै बच्चा एकै बेटा एकै बेटी पैदा किया जाए। इसीलिए कुछ समझदार लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे चार होने चाहिए। किसी ने पांच कहा, मामला दस तक चला गया। चार पांच दस मानते हैं तो जनसंख्या बढ़ जाती है, हम दो हमारे दो पर रहते हैं तो सालियां विलुप्त हो जाती हैं। क्या बात, छंद आपके हवाले करता हूं, सुने। स्वागत है। कि एक बेटा बेटी जन्म आने का रिवाज चला, कि एक बेटा बेटी जन्म आने का रिवाज चला, अब न तो चाचा ताऊ नहीं होंगी ताई जी। क्या बात। कि एक बेटा बेटी जन्म आने का रिवाज चला, अब न तो चाचा ताऊ नहीं होंगी ताई जी, और मौसा भी होंगे नहीं, मौसी भी होंगी नहीं, देवरानी व जेठानी के नठुन काई जी। वाह। मौसा भी होंगे नहीं, मौसी भी होंगी नहीं, देवरानी व जेठानी के नठुन काई जी। तो जब जब फागुन सवार होगा सिर पर, तब तब नौजवान निराश होंगे भाई जी। जब जब फागुन सवार होगा सिर पर, तब तब नौजवान निराश होंगे भाई जी, क्योंकि होली खेलने को सालियां रहेंगी नहीं, देवर न होंगे न तो होंगी बहू जाएगी। है क्या बात है, वाह 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 वाह। देखिए, मैंने कहा था ना, आपकी एनर्जी आएगी तो इधर से भी डबल एनर्जी मिलेगी। एनर्जी बनाए रखिए, हमारी मौत वीरो के हाथ होगी। हाँ। ना देखिए, ठंडी का मौसम है, आयुर्वेदिक छंद एकदम आयुर्वेदिक। हाँ। हम ये जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, हाँ, उसी तरह कभी भी माहौल और मौसम को देखकर अपनी कविताओं का रंग बदलता है। हमारे प्रशांत भाई हम लोग के गाड़ी में आए तो कहे, धर्म भैया हम सोचे थे कि जाड़ा के मौसम में जाड़ा वाली कविता सुनाएंगे, लेकिन रात को लिख रहे थे पत्नी टोक दी। तो वही टोकान हम बता रहे हैं कि टोकान क्या था। ये कविता की लाइन बनाए कि जिंदगी अब तो गिनती पहाड़ा लगे, जिंदगी अब तो केवल अखाड़ा लगे, यही चार पांच बार रट रहे थे। पत्नी भी आ गई एकदम, और ठंडी देखते है चापत एकदम। कि जिंदगी अब तो गिनती पहाड़ा लगे, जिंदगी अब तो केवल अखाड़ा लगे, क्योंकि पत्नी ने टोका, तेरी कविता भाड़ में जाए सुनो वे पिया सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। स्वागत है। एक और जाड़े वाली चीज मैं बता रहा हूँ। एक हमारे आपकी बेवकूफी में एक जहाँ कहा कुछ जा रहा है, कहना कुछ चाहिए। जैसे आप कोई वाक्य लिखते हैं तो उसका एक व्याकरण होता है, सवाल लगाते हैं तो उसका एक फार्मूला होता है, इसी तरह रिश्ते नाते के संबोधन के पीछे भी तर्क होता है। हाँ। यदि कहूँ कि आदरणीय हमारे चाचा जी हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पिताजी के छोटे भाई हैं, इसलिए हमारे चाचा जी हुए। बिल्कुल। लेकिन एक जगह कहना कुछ चाहिए, कहा कुछ जा रहा है, छंद का आनंद दीजिए। स्वागत है। कि रिश्तों के नामकरण का भी होता व्याकरण, कि रिश्तों के नामकरण का भी होता व्याकरण, गलती हुई तो हेरा फेरी कहा जाता है। अच्छा, देखिए, इन्हीं को देख के हेरा फेरी, मैं हमेशा कहता हूँ कि यत नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत देवता, लेकिन अगर ऐसा नारी रहे तो देवता तो भागी जाएगी।
कि रिश्तों के नामकरण का भी होता व्याकरण, गलती हुई तो हेरा फेरी कहा जाता है। कि रिश्तों के नामकरण का भी होता व्याकरण, गलती हुई तो हेरा फेरी कहा जाता है। इसीलिए फूफा जी का लड़का फुफेरा भाई, लड़की को बहन फुफेरी कहा जाता है। इतना ही नहीं, पत्नी की माता सास और मामी जी को सासू मामा मेरी कहा जाता है। इतना ही नहीं, पत्नी की माता सास और मामी जी को सासू मामा मेरी कहा जाता है, तो उसी भांति पत्नी के चाचा जी की लड़की को क्यों नहीं पत्नी चचेरी कहा जाता है। नहीं, डिमांड जोरदार है भाई, है ना भैया। इसको दिल्ली में विधानसभा में मामला उठना चाहिए। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर ही मोदी जीतेंगे, इसको उठाइए। जब जीते थे तब से। हाँ, अच्छा, जब 19 में मोदी जीते थे, हाँ, तो पत्रकार लोग हमसे आके पूछे, हम लोगों से, दमदार भाई भी थे, कि प्रधानमंत्री जी मोदी द्वारा प्रधानमंत्री बन गए, आप लोग क्या चाहते हैं। तो भाई, हम लोग प्रधानमंत्री दिए हैं, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। उसी समय सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसी को जोड़कर पत्रकार ने पूछा, आइए भैया बजे। सभी आए हुए मेहमानों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम इसलिए करता हूँ कि प्रणाम करने का सौभाग्य सिर्फ मनुष्यों को प्राप्त है। आप कभी कुकुर बिलार गिरगिटान को प्रणाम आशीर्वाद करते हुए नहीं देखे होंगे। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्या बात, मानव जन्म बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। अगर मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, दोबारा जन्म लेना ही पड़ा, तो मानव योनि में जन्म लोगे। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए और जो बैठे हैं वो भी कहते हैं। लेकिन मैंने और दमदार भाई ने अपने आचरण का आकलन किया और पाया कि न तो हम लोगों को मोक्ष प्राप्त होगा और न तो दोबारा मानव योनि में जन्म लूंगा। तो ईश्वर के सामने एक अर्जी रखी, जैसे रसखान ने रखा था कि मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव की ग्वालन। तो मैंने भी ईश्वर से कहा कि प्रभु, इस योनि में जाऊं तो ये सुविधा देना, उस योनि में जाऊं तो वो सुविधा देना। वो सुविधा मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, सुनिए। कि सर्प बनू तो निवास के रूप में सज्जनों का आस्तीन मिले। अरे क्या बात है, आस्तीन का सांप बनाना। कि सर्प बनू तो निवास के रूप में सज्जनों का आस्तीन मिले, और स्वान बनू तो घराना हो उच्च पामेलियन डॉग। कि सर्प बनू तो निवास के रूप में सज्जनों का आस्तीन मिले, और स्वान बनू तो घराना हो ऊंच और गोद सदा ही हसीन मिले। तो भैंस बनू तो हरी हरी घास और आजम खा की जमीन मिले। कि भैंस बनू तो हरी हरी घास और आजम खा की जमीन मिले, और हाथी बनू तो सवारी के रूप में मायावती सी बहन मिले। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह, अच्छा डिमांड है। सरकार झूठे परेशान है, परिवार नियोजन तो ऐसा ही खत्म हो जाएगा। एक शुद्ध जाड़े वाला क्षण सुना रहा हूं, उस औषधि का जाड़े में सबका सबको प्रयोग होता है। कविता में आयुर्वेद का प्रयोग देखिए। अभी 5 जिला में चुनाव हुआ, सरकारें बनी, ऐसे जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो केजरीवाल ने प्रथम बार शीला दीक्षित को पराजित किया था। उसी के बाद होली आया, होली में कवि सम्मेलनों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो बनारस की एक परंपरा है कि हम लोग नामकरण करते हैं, तो मैंने केजरीवाल जी का आयुर्वेदिक नामकरण किया था। बस खाली आप अपने मस्तिष्क में यही रखिए कि वो शीला दीक्षित को पराजित किए थे। स्वागत है, छंद आपके हवाले करता हूं, सुने। कि कभी कभी कर्म अनुसार नाम पड़ जाता, कि कभी कभी कर्म अनुसार नाम पड़ जाता, पर कर्म जो हो वो प्रतीत होना चाहिए। कि कभी कभी कर्म अनुसार नाम पड़ जाता, पर कर्म जो हो वो प्रतीत होना चाहिए। जैसे कर्णदानी रहे नाम दानवीर पड़ा,
कृष्ण यो सुदामा जैसा मित होना चाहिए, तो मेघनाथ इंद्र को हराया। तब रावण ने कहा तेरा नाम इंद्रजीत होना चाहिए। मेघनाथ इंद्र को हराया तब रावण ने कहा तेरा नाम इंद्रजीत होना चाहिए। तो इस फार्मूले पर शीला को हराए केजरीवाल जी का नाम शीला जीत होना चाहिए। अरे वाह 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 वाह। तो हम लोग ऐसे ही मौसम के हिसाब से शोध करते रहते हैं। यहाँ के वातावरण को देखकर हमको अपने विश्वविद्यालय का एक सेमिनार याद आ गया। ऐसे ही विद्वान लोग बैठे हुए थे, आप जैसे प्रबुद्ध श्रोतागण थे। उसमें सेमिनार का विषय था विलुप्त होते पशु पक्षी। कर्नाटक से एक सम नटराजन आए थे, वो बड़े उदास भाव से कहे कि प्रकृति का सबसे प्रमुख सफाई कर्मी पक्षी गिद्ध विलुप्त हो रहा है। उसी के बाद कवि सम्मेलन था, मेरी बारी आई। मैंने कहा आदरणीय नटराजन जी, आप चिंतित न हो, हिंदुस्तान से गिद्ध विलुप्त नहीं हुए हैं, गिद्ध हैं। पता मैं बता रहा हूँ, सरकार चाहे तो संरक्षित कर सकती है। स्वागत है। मैंने वहाँ पता बताया था, वही पता आपको बता रहा हूँ। पता सटीक बता जाऊँ तो आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिए, स्वागत है। कि कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए, कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए, पेड़ों के बजाय कुर्सियों पे पाए जाते हैं। स्थान परिवर्तन। कि कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए, पेड़ों के बजाय कुर्सियों पे पाए जाते हैं, और संसद में बैठकर कोई व्यूह रच रहा, गांव का प्रधान कहीं योजना पचाते हैं, तो जनगण मन पर भी ये चोंच मार रहे, भारत महान पर कालिख लगाते हैं। जनगण मन पर भी ये चोंच मार रहे, भारत महान पर कालिख लगाते हैं। और त्रेता वाला गिद्ध सीता माता है, तू जान दिया कलयुग के गिद्ध सीताओं को नोच खाते हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह। मंच हमारा कौमी एकता से एकदम परिपूर्ण है। एकदम कहाँ कहाँ से कविता देखी निकलती है। एक मैं छंद देता हूँ, हमारे छंद का नायक है मच्छर। मच्छरों में कौमी एकता देखिए। कविता आपके हवाले करता हूँ, सुनिए। स्वागत। नमस्कार। सुनिए कि मच्छरों के घर प्यारे भेदभाव होता नहीं, कि मच्छरों के घर प्यारे भेदभाव होता नहीं, मच्छरों का अपना अलग ही विधान है। वाह। कि मच्छरों के घर प्यारे भेदभाव होता नहीं, मच्छरों का अपना अलग ही विधान है। और गोरा नहीं काला नहीं उम्र की न परवाह, जया माया फूलन भी मल्लिका समान है। तो नेताओं की बोली भाषा मच्छरों को आती नहीं, यहाँ न तो हिंदू न तो कोई मुसलमान है। और अगड़ा न देखते हैं पिछड़ा न देखते हैं, सब में धसाते डंक एक ही समान है। एक राष्ट्रभक्ति और देख लीजिए, वो छंद अभी आदरणीय लोग आ गए थे तो दिमाग से विस्मृत हो गया था। जब दोबारा मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पत्रकारों ने पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो हम लोग बनारस से थे, हम लोग प्रधानमंत्री दिए हैं। तो हम लोगों ने कहा, उसी समय सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, हमारे जवान कुछ शहीद हुए थे, तो मैं उस समय एक छंद लिखा था कि हम लोग चाहते क्या है, भारत चाहता क्या है। आपके मन का छंद हो तो आशीर्वाद दीजिएगा। सुने कि घुस कर मारा जैसे मारते ही जाओ इन्हें, कि घुस कर मारा जैसे मारते ही जाओ इन्हें, अब इसी भांति प्रतिकार होना चाहिए। और लात के जो भूत हैं वो बात से न मानते हैं, लगातार इन पे प्रहार होना चाहिए। तो सर्जिकल स्ट्राइक वाला अब दौर छोड़ो प्यारे, युद्ध अब यार और पार होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक वाला अब दौर छोड़ो प्यारे, युद्ध अब यार और पार होना चाहिए। और कश्मीर संघ संघ पूरा पाक छीन कर पाक में भी भारत सरकार होना चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, स्वागत है। नहीं पानी चढ़ा लीजिए, अब जरूरत भी है। युद्ध युद्ध करने के पहले पानी चढ़ाना जरूरी होता है भैया। आइए आपको उस पावन छंद में प्रभु राम पर सुनाता हूँ। हाँ स्वागत है, स्वागत है। उस छंद को सुनाने के लिए मैं आपको यहाँ तक माहौल बना के ले आया। राम मंदिर का श्री गणेश भी होने वाला है। आप अपने आप को
मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होता है, जिसमें एक विवाह संस्कार ही ऐसा एक संस्कार है जिसमें दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है, एक वर की और दूसरे वधू की। जब प्रभुराम का विवाह की भूमिका बनने लगी तो प्रभुराम जब प्रथम बार अपनी वेलेंटाइन जगत जननी जगदम्बा माता जानकी को फुलवारी में जब देखते हैं तो दृश्य कैसा रहा होगा, वो छंद मैं आपके समक्ष रखता हूँ। स्वागत, बहुत अच्छा छंद है, स्वागत है। किसी अखड़ी फुलवारी के बीच में राम प्रवेश किए एक ओरी, वाह बाबा। किसी अखड़ी फुलवारी के बीच में राम प्रवेश किए एक ओरी, और दोनों रहे अनजाने पहने की धीरे धीरे कसती गई डोरी। तो सांवले राम यो गोरी सिया, जस बादल छोरा यो चांद की छोरी। तो राम ठगे के ठगे ही रहे, मिथिलापुर में दिल हो गया चोरी। वाह वाह। ठगे के ठगे ही रहे, मिथिलापुर में दिल हो गया चोरी। बाबा विश्वनाथ इस दृश्य को देख रहे थे, उनको बड़ा आनंद आ गया कि भोले बाबा मुस्काय रहे, प्रभु राम भी नारी लपेटे में आए। एक और फंसा कि भोले बाबा मुस्काय रहे, प्रभु राम भी नारी लपेटे में आए। और भूल गया धनु बाण पराक्रम, सिय के नेहने है भरमाए। तो बोले कि पार्वती सुनना है, सुनैना लली प्रभु को अरुझाए। तो पार्वती हरसाय लजाय गई, अपने दिन ध्यान में आए। भगवान राम सूर्य वंश के हैं, सूर्योदय तो प्रतिदिन हो रहा है, लेकिन जब उस दिन सूर्योदय होने लगा तो भगवान सूर्य के हृदय में एक कार्य और जुड़ गया। वह कार्य कौन सा था, सुनिए बहुत ही प्यारा छंद। कि मिथिलेश लली बदली बदली, रघुनंदन भी बदले बदले हैं। कि मिथिलेश लली बदली बदली, रघुनंदन भी बदले बदले हैं। और कोई कहे सूर्योदय हो रहा, कोई कहे उनसे भी भले हैं। तो साक्षी बनु इस हेतु नक्षत्र, मुहूर्त सभी एक साथ चले हैं। कि साक्षी बनु इस हेतु नक्षत्र, मुहूर्त सभी एक साथ चले हैं। तो अपने कुल की बहु देखने को, प्रभु सूर्य नारायण भी निकले हैं। कि अपने कुल की बहु देखने को, प्रभु सूर्य नारायण भी निकले हैं। इसी में एक हास्य अंतिम सुना दे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, स्वागत है। आइए अंत में मैं एक कविता सुनाता हूँ। कविता तो यही थी, मतलब दूसरे तरह का। कि ऊपर से नीचे तक देखो मक्कारी बेईमानी है, कि ऊपर से नीचे तक देखो मक्कारी बेईमानी है। वहाँ न कोई फरसा मारे अड़ा जहाँ पर पानी क्या है, बात है। वहाँ न कोई फरसा मारे अड़ा जहाँ पर पानी है। कि चलो चलें स्कूल चलें, नैतिकता का पाठ पढ़ें। चलो चलें स्कूल चलें, नैतिकता का पाठ पढ़ें। लेकिन कौन पढ़ाएगा नैतिकता सिखलाएगा। कॉन्वेंट है गली गली, अंग्रेजी में बढ़ी पली। अंग्रेजी ही शान है, मेरा देश महान है। आज के शिक्षक बड़े प्रखर, शिक्षा अंग्रेजी के घर। अंग्रेजी बतियाएंगे उसका पाठ पढ़ाएंगे, अंग्रेजी बतियाएंगे उसका पाठ पढ़ाएंगे। और हिंदी को कब्र में रख कर हिंदी दिवस मनाएंगे। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। हिंदी दिवस मनाएंगे। तो भारत में ही भारत की शिक्षा संस्कृति बेगानी है। वहां न कोई फरसा मारे अड़ा जहां पर पानी है। बहुत अच्छे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।